सो हेलो गाइस, आई एम जय कर्ली परसों में सेकेंड ईयर MBBS फ्रॉम ईसाई मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने एक प्रीवियस टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि MBBS में कितनी छुट्टियाँ होती है, कितनी हॉलीडे होती है, कितनी वैकेशन मिलती है, लाइक समर वैकेशन मिलती है या नहीं मिलती है, एंड जो सारी सरकारी छुट्टियाँ हैं वो मिलती है या नहीं मिलती है, एंड फिर क्या होता है, एंड मास बंक कैसे कब क्या करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो आपको चिल टाइम है वो कितना कितना मिलता है, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करते हैं। तो मैं इसमें आपको ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल जो है वो दोनों ही चीज़ें डिस्कस करूँगा, जो ऑफिशियल छुट्टियाँ पड़ती हैं एंड जो एक अनऑफिशियल, मतलब जो अपन मन से करते हैं वो छुट्टियाँ। ठीक है, लाइक ऑफिशियल छुट्टी में तो वही है जो कि लीगल वे में है, मतलब लाइक लीगल तो नहीं कह सकते, लीगल इलीगल नहीं कह सकते, इसको ऑफिशियल अनऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं अपन। लाइक ऑफिशियल छुट्टियाँ वो है जो ऑफिशियली आपको वो प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज की तरफ से। वो क्या है कि वो एक तो हो गई हमारी संडे की छुट्टी है ना, संडे हर संडे की छुट्टी होती है, एंड कुछ कुछ है वो गवर्नमेंट की छुट्टियां है ना, जो मस्ट ही है छुट्टियां, कुछ कुछ है वो छुट्टियां होती है, एंड कुछ कुछ कई कई बार ऐसा होता है कि कई बार छुट्टियां जो स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है ना उनमें छुट्टी होगी लेकिन तुम्हारे कॉलेज में छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा होता है, मीन्स हर जो गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी है वो तुम्हारी छुट्टी नहीं होती है, कुछ कुछ छुट्टियाँ हैं जो तुम्हारी छुट्टी होगी। ठीक है, तो क्या होगी हर संडे की, एंड गवर्नमेंट जो छुट्टियाँ हैं वो छुट्टियाँ होंगी, है ना। ये हो गया जस्ट सिंपल सा जो ऑफिशियल है। अब बात करते हैं अनऑफिशियल की, है अनऑफिशियल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मास बंक। ठीक है, तो मास बंक मतलब सबसे प्यारी जो चीज़ है मेडिकल की वो मास बंक की है, क्योंकि मास बंक में क्या है कि आप पूरे जो भी स्टूडेंट है वो सारे डिसाइड कर लेंगे कि लाइक इतने से इतना मास बंक हमें करना है। मास बंक एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत से दिनों की छुट्टी है, ऑलमोस्ट 15 days to 1 month, एंड ठीक है उनमें होते हैं ना, तो मतलब इतने से 15-20 दिन की छुट्टियां हैं वो सारे मिलके कर लेते हैं। तो अब तुम सोचो क्या मज़ा आता होगा उस दिन में, भाई पूरी चीज़ें बिल्कुल मस्त, मतलब चिल करेंगे बस मास बंक में। तो सबसे मस्त चीज़ मास बंक की है ना, तो इंजेक्ट ये है लेकिन अनऑफिशियल है। ठीक है, तो अब छुट्टियों की बात करते हैं, है ना। तो मास बंक हुआ, तो मास बंक में तो क्या है कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये तो तुम्हारी ड्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तुमको जब करनी होगी मास बंक तो तुम आप कर लोगे। ठीक है, लाइक आपके यदि आपके मान लो 5 जून से पेपर भी है ना, तो भी आप मतलब मई के महीने में भी पूरा मास बंक कर सकते हो, कि मतलब ये आप नहीं सोचोगे कि लाइक अगले इतने महीने से पेपर है तो हमको पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। अगर आपने सोचा है, सभी ने सोच लिया कि मास बंक करना है तो फिर मास बंक हो जाएगा, इसमें मतलब कोई भी टाइमिंग नहीं है कि छुट्टी है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो छुट्टी है होती है वो ऐसे ही इसी रूप में होती है, लाइक संडे वगैरह की हुई कुछ गवर्नमेंट छुट्टियाँ ही, देन अनऑफिशियल में हमारा मास बंक आ जाता है। एंड मास बंक आ जाता है, एंड दूसरी चीज़ क्या है वो जो है वो ये है कि आपको 75% एंड 80% इन जिस 75 इन थ्योरी एंड 80% इन प्रैक्टिकल आपको अटेंडेंस है वो मस्ट रिक्वायर है एलिजिबल होने के लिए, बट ये हकीकत में ट्रू नहीं है बात। मतलब कुछ स्टूडेंट उनको बहुत कम अटेंडेंस पर भी बैठा लेते हैं, एंड मतलब ये आपके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी मतलब कैसी वैल्यू टीचरों के सामने है ना, एंड आपके मार्क्स कितने हैं, मतलब आप लाइक आपके अटेंडेंस भी बिल्कुल घटिया है और आपके मार्क्स भी बिल्कुल घटिया है तो कौन ही आपको एग्ज़ाम में एलिजिबल देगा। लेकिन आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपके अटेंडेंस कम है, मान लो थोड़ी कम है, तो आपको बैठा देंगे, एंड कई बार तो बहुत कम को भी बैठा लेते हैं यदि उनके मार्क्स अच्छे हैं, टीचर को पता है कि लाइक ये फोड़ देगा, है ना। ठीक है, तो ये अलग अलग केस है, मतलब तो ये है कि लाइक आपको अटेंडेंस है वो 100% अटेंडेंस नहीं चाहिए, एलिजिबल होने के लिए आपको 75-80% अटेंडेंस चाहिए, तो हम 80 मान के चलते हैं। ठीक है, तो मींस आपको 100 दिन में से है वो 80% आपको अटेंड करनी है, 20 दिन की आप छुट्टी कर सकते हो, तो 100 दिन में आप 20 दिन की छुट्टी आराम से कर सकते हो। तो 20 दिन की वो छुट्टियाँ एक्स्ट्रा है, वो मतलब किन से हैं, सरकारी छुट्टी, जो भी हमारी संडे की छुट्टी एंड जो भी हमारा मास बंक है उनके अलावा, मतलब 20 दिन की छुट्टी आप कर सकते हो। एंड अब यहीं पे सबसे बड़ा डाउट ये है कि लाइक मास बंक करते हैं तो आपकी अटेंडेंस तो लॉस्ट हो जाएगी बहुत सारी, तो आप ये सोचोगे कि फिर 20% तो उनमें काउंट हो जाएगी, 20% तो मास बंक में चल जाएगी, आप एक एक महीने मास बंक करोगे तो। लेकिन क्या होता है, सारे मैक्सिमम कॉलेजों में यही होता है कि लाइक मास बंक होता है ना तो उसकी अटेंडेंस मिलती है, लाइक ये अनऑफिशियल सा है पर पता नहीं है, मैंने तो अभी तक ये सुना है कि लाइक मास बंक होता है तो उसकी अटेंडेंस आपको मिल जाती है, बट यहीं पे एक एक्सेप्शन आपको देता हूँ, लाइक हमारे कॉलेज में हमने मास बंक किया था, ऑलमोस्ट हमने 12-15 days का मास बंक किया था, बट उसमें क्या हुआ कि उसमें हमको अटेंडेंस नहीं दी थी उस केस में, एंड बहुत से स्टूडेंटों को उसका ये फल मिला कि वो उनको सप्ली देना पड़ा फिर।
ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, तो ये थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ऐसे कदम उठाने से पहले, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजों में ये जनरली होता रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ही हो जाता है फिर, है ना। तो ये है, एंड मतलब आपको 100% अटेंडेंस तो चाहिए नहीं, तो आपको 75-80 चाहिए, एंड इतनी तो ऑफिशियल चाहिए, मतलब बहुत कम, मतलब 60 पे भी आपको बैठा लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब 60, अब तो तुम सोचो, मतलब 10 में से आपको सिर्फ 6 ही क्लासे अटेंड करनी है, आप 4 दिन की छुट्टी कर सकते हो, ठीक है, 10 में से 4। एंड यदि आप सोचो फिर 100 में से आपको सिर्फ 60 अटेंडेंस लेनी है, एंड 40 दिन की आप छुट्टी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो अब आपको लग रहा होगा कि MBBS में तो छुट्टियाँ छुट्टियाँ हैं, ठीक है ना। अब MBBS में हम टोटल छुट्टियाँ काम करेंगे कितनी है, तो संडे हो गए, जितने भी सारे संडे हैं, है ना, जितने भी सारे संडे हैं उन सबकी छुट्टियाँ, जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ हैं सबकी छुट्टियाँ, प्लस मास बंक हो गया, साल में एक बार तो मास बंक हो ही जाता है जनरली, ठीक है। तो एक मास बंक हो गया, मतलब बहुत से दिनों का, 15 से 1 महीने तक का, ठीक है, 15 दिन से 1 महीने का मास बंक हो गया। देन अब आपको जो एलिजिबल छुट्टियाँ हैं, एंड मतलब एलिजिबिलिटी के लिए उतनी आपने क्लास की, और बाकी जो दिन है वो उतनी आपने छुट्टियाँ की, तो बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ छुट्टियाँ है ना। आप एक ऑफिशियल चीज़ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई छुट्टी नहीं है। ऑफिशियल में क्या है कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, एंड 80% आपको प्रैक्टिकल में अटेंडेंस चाहिए, एंड जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में जब आप जाओगे तो ओनली 1 वीक का आपको गैप देगा, 7 दिन की छुट्टियाँ हैं बस, ऑफिशियल तो ये चीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है ना, तो मतलब चिल है, ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट आपको यहीं पे थोड़ा सा ये है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा डिसिप्लिन सा हो लेना चाहिए, एंड अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज करके चलना चाहिए। मीन्स छुट्टी छुट्टी होती है ना, तो ऑलमोस्ट जनरली स्टूडेंट है वो यहाँ पे सिर्फ सोते हैं, और कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ है वो नहीं करते हैं, जनरली सोते हैं बिल्कुल, मतलब पूरा टाइम सोते ही रहते हैं हॉस्टलों में, तो यही होता है सबसे मेन चीज़ है सोना। तो सोने के बजाय आप क्लास अटेंड करो, और वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें सीखो, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर है ना। तो इसी वजह से ये थोड़ा ऐसा करिकुलम रखा गया होगा, एंड हकीकत में मैं तो ये है, एंड मैं ये मानता हूँ कि जो भी अभी हमारा करंट MBBS करिकुलम है ना, ये बहुत सबसे ज़्यादा मतलब बहुत बेटर है, जितने भी मतलब इससे पहले भी कोई करिकुलम रहा होगा उन सब इससे, भाई मेरे को सबसे बेस्ट है वो यही करिकुलम लगता है। एंड मतलब दुनिया में हकीकत में इससे बेटर कोई करिकुलम होगी, मतलब जो भी है ना ये पैटर्न है, करिकुलम बार बार करिकुलम बोले जा रहा, जो भी ये पैटर्न है ना अभी जो चल रहा है MBBS में, ये बहुत बहुत मस्त है। एंड इसमें आप देखोगे ना तो हकीकत में देखना बहुत बहुत मस्त चीज़ है, इस पर मैं आपको एक अलग से डिस्कस करूँगा वीडियो ना। इसमें क्या है कि बहुत मस्त है हकीकत में, जो पेपर का पैटर्न है ना वो एक नंबर चीज़ है, एंड जो भी करिकुलम चला रखा है, STL वगैरह, ATCOM वगैरह, है ना, इंट्रैक्शन करने का, एंड FAP वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत एक नंबर चीज़ है, मीन्स बेस्ट डॉक्टर बनाने के लिए ये ऐसा करिकुलम रखा गया है। तो ये है, सो बस ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, किसी और वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर, एंड प्लीज़ फॉलो मे इंस्टाग्राम फॉर एनी क्वेरी।